दोस्तों अक्सर हम जब भी कोई भी मिड रेंज स्मार्टफोन लेते हैं तो फोन काफी अच्छा होता है लेकिन हमको उसमें सभी फीचर्स अच्छे से देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमको कमी मिलती है, चाहे वो फास्ट चार्जिंग के रूप में हो, चाहे वो 4K कैमरा रिकॉर्डिंग ना होना हो, या फिर इसी तरह की हमको छोटी मोटी कमियां देखने को मिलती है। लेकिन अब क्वालकॉम ने 3 नए प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625, 435 और 425, और आज इस वीडियो में आपसे उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट है टेक्निकल गुरुजी और शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से वो अभी भी चल रहा है, तो हम नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाके एंटर करने से आप ढेर सारे इंटरेस्टिंग इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 की। तो ये एक काफी अच्छा प्रीमियम मिड रेंज प्रोसेसर है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो 2 GHz तक की स्पीड पे काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं पता है कि वो क्या होती है तो आप मेरी मोबाइल फोन प्रोसेसर्स वाली वीडियो देखिएगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। आप इतना मानिए कि ये काफी बैटरी एफिशिएंट होगा, काफी फास्ट होगा और आपको ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगी। 14 नैनोमीटर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कंपैरिजन के साथ में, तो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 8110 जो था वो भी 14 नैनोमीटर पे बेस्ड नहीं था। सैमसंग का एक्सिनोस 7420 जो है वो बेस्ड है 14 नैनोमीटर के प्रोसेसर पे, जो आपको मिलता है सैमसंग नोट 5 के साथ देखने में या आपको मिलता है सैमसंग S6 और S6 Edge के साथ देखने में। तो वो सेम लेवल की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अगर आपको एक प्रीमियम मिड रेंज प्रोसेसर मिल जाता है तो उसके बारे में तो मतलब मानिए कि आप जितना अच्छा कहें उतना कम होगा। साथ ही साथ ये आपको 4K सपोर्ट के साथ मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी 4K वीडियो में कि 12 MP का कैमरा चाहिए होता है कम से कम एक 4K रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मिड रेंज फोन्स में कैमरा तो आपको काफी अच्छा मिल जाता है 12 MP का, 16 MP का, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर हैंडल नहीं कर पाता था इसलिए आपको 4K वीडियोस अभी तक देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अब से आपको 4K वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस साल का फोन था मोटो एक्स प्ले, अब मोटो एक्स प्ले में अगर 615 की जगह 625 होता तो आपको डेफिनेटली 4K सपोर्ट देखने को मिलता, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ ये क्वालकॉम की क्विक चार्ज 3 को भी सपोर्ट करता है। तो मैंने आपको जो बताया था क्विक चार्ज की वीडियो में कि क्विक चार्ज 3 जो है वो बहुत ही एक अच्छी फास्ट चार्जिंग के लिए जो है नई टेक्नोलॉजी है, तो ये प्रोसेसर उसको भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसमें X9 जो है वो मॉडेम लगा है जिसकी मदद से आपको कैट 7 की स्पीड्स मिलेंगी, 300 Mbps की डाउन स्पीड और 150 Mbps की अप स्पीड। तो LTE के मामले में हो, चाहे ये बैटरी एफिशिएंसी के मामले में हो, चाहे ये 4K रिकॉर्डिंग के मामले में हो, चाहे इस कैमरा का 24 MP तक का जो है प्रोसेसर इसका सपोर्ट हो कैमरा की तरफ से, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मेरे को लगता है। दोस्तों दूसरा जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425। तो देखिए ये जो प्रोसेसर है ये बेस्ड है आर्म के कॉर्टेक्स A53 आर्किटेक्चर पे। ये आपको मिलता है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो काम करेगा 1.4 GHz की स्पीड पे। ये हालांकि ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी थी 28 नैनोमीटर की, उस पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको अड्रीनो का 505 GPU मिलता है और जो 625 था आपको उसमें मिलता है 506 GPU। तो GPU के मामले में ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर बनेगा। इसमें जो आपको मिलता है मॉडेम वो आपको मिलता है X7 और ये जो स्पीड सपोर्ट करेगा वो करेगा 300 Mbps तक की डाउन स्पीड और 100 Mbps तक की अप स्पीड। तो ओवरऑल ये भी एक बजट फोन में, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे अगर मोटो G3 की, तो या मोटो G3 या 9-10 हज़ार की रेंज में जो फोन से अगर उसमें आपको ये फोन मिल जाता है, तो अगर आपको उनमें ये प्रोसेसर मिल जाता है तो इसके अंदर आपको 21 MP तक का जो कैमरा है उसका सपोर्ट मिलेगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि 21 MP तक का कैमरा हो, क्वालकॉम की क्विक चार्ज 3.0 है इसके अंदर भी 435 में भी, तो ओवरऑल आपको एक काफ़ी अच्छी डील जो है वो मिलने वाली है। दोस्तों लास्ट जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम का 425। 425 एकदम लोअर एंड आप इसको मान लीजिए, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है 1.4 GHz पे काम करता है। इसमें जो GPU है वो आपको पुराना दिया गया है, जो अड्रीनो आपको मिलता है 308, तो वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक बजट फ़ोन है तो इसलिए आपको इसी हिसाब से जो है ये इसके अंदर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी ये भी एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होगा। इनफैक्ट जो हम अगर कंपेयर करते हैं क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 400 या 410 से, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मज़े की बात क्या है कि जो 425 और 435 है वो पिन कंपैटिबल है अपने पुराने वर्जन से। पिन कंपैटिबल का मतलब क्या होता है कि मदरबोर्ड के ऊपर जब आप प्रोसेसर को लगाते हैं तो जो कनेक्टिंग पिन्स होती हैं वो अगर सेम हो तो मैन्युफैक्चरर्स को कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, वो सेम डिज़ाइन सेम फोन सेम मदरबोर्ड में सिर्फ वो प्रोसेसर चेंज करके पूरे फोन को अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छी बात होगी। जैसे कि आपने देखा था कि मोटो G3 था, अब जब मोटो G टर्बो आया तो
बोर्ड एकदम सेम है, पूरा फोन सेम है, सिर्फ नया प्रोसेसर जो है वो अपग्रेड किया था। तो इसी तरीके से जो ये वाले फोन्स भी आएंगे, जो ये वाले कुछ नए फोन्स अगर हम देखते हैं कुछ कंपनीज के, तो अगर वो अभी बेस्ड हैं 400 पे या बेस्ड है 410 पे, तो आपको आने वाले वर्जन जो मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो बेस्ड होंगे 425 और 435 पे। इन सभी प्रोसेसर्स के अंदर आपको जो स्क्रीन मिलता है वो एक लिमिटेशन फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। 425 का जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है वो हो सकता है 1280x800 पे। तो इसका मतलब आपको जो उस पे बेस्ड फोन्स मिलेंगे उनमें जो स्क्रीन का मैक्सिमम रेजोल्यूशन होगा वो होगा एक HD स्क्रीन। जो 435 पे आपको मिलता है वो मिलता है एक फुल HD, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात होगी। और 625 पे भी आपको फुल HD मिलता है। तो हम बजट रेंज के अंदर अभी क्वाड HD स्क्रीन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेसर नहीं है जो क्वाड HD को सपोर्ट कर सके उस प्राइस रेंज में, एटलीस्ट आज की डेट में। लेकिन फिर भी ये तीनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइसेज हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपने आप में नई टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू है ये, क्योंकि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे यही लगती है। मैं क्योंकि एक माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी का क्या फ़र्क पड़ता है, डिज़ाइनिंग के लिए क्या ज़रूरी है। और अगर आपको एक 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी एक मिड रेंज के अंदर मिल जाती है, तो मतलब आप मानिए कि बहुत बहुत एक इंटरेस्टिंग बात होने वाली है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ एक नई चीज़ जो लॉन्च की है क्वालकॉम ने, वो किया है अपना X16 मॉडम। आप ध्यान से सुनिए, 1000 Mbps की स्पीड को ये सपोर्ट करने वाला है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कंपैरिजन के लिए, तो क्वालकॉम 820 जो है, जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम का, वो बेस्ड है X12 मॉडेम पे। उसमें जो मॉडेम बेसिकली आपको मिलता है X12, और उसके अंदर जो आपको मैक्सिमम स्पीड्स देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं 600 Mbps तक की। जो X16 वाला होगा उसमें आपको स्पीड्स मिलेंगी 1 Gbps तक की स्पीड। एक मोबाइल फ़ोन में अगर आपको मिल जाएंगी, तो आप सोच के देखिए कि आप 4G में कितना जल्दी क्या कुछ आप डाउनलोड अपलोड कर पाएंगे। लेकिन हालांकि इसमें भी टाइम लगेगा आने में, ये 2017 तक आएगा, जो अगले वाले जो प्रोसेसर होंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो आपको एक ऐसा मॉडेम एक मोबाइल फ़ोन में आ जाए कि आपको 1 Gbps तक की स्पीड मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इन तीनों ही प्रोसेसर्स के बारे में दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में जल्दी ही कुछ नए फोन्स आए जो क्वालकॉम 625 पे या 435 पे या 425 पे बेस्ड हो, तो हमको एक मिड रेंज एक कम कीमत के फ़ोन में हमको अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिले, हमको फास्ट चार्जिंग मिले, हमको अच्छे स्क्रीन्स मिले, हमको अच्छे कैमराज मिले, हमको 4K का सपोर्ट मिले, हमको अच्छी बैटरी लाइफ मिले, तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये जो वीडियो है ये एक्चुअली मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है अभी, क्योंकि ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था, और मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं एक कैमरा सेटअप, आपको पता ही है क्या चल रहा है, मेरा नोट 5 जा चुका है, 6P का कैमरा अच्छा नहीं है, DSLR के अंदर मजे नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अभी इंस्टेंटली रस्ते में बनाई कि मैं आपको बता सकूं इन तीनों ही प्रोसेसर्स के बारे में, और आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूरी मैं शेयर कर सकूं। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे यहां दिख रहे लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।